किस तरीके से वो चेहरे जिनके बारे में चर्चा चल रही थी वो चेहरे वापस आ रहे हैं धीरे धीरे, और वो चेहरे वापस आ रहे हैं तो संकेतों के तौर पर ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि आखिर क्या स्थिति है और क्या स्थिति नहीं। कोई बात नहीं दीदी, आप बैठे। हाँ, ये आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री निवास की तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री निवास की तस्वीरें। ये देखिए गाड़ियों का काफिला, मुख्यमंत्री कमलनाथ बाहर निकलते हुए मंत्रालय में जाते हुए, ये देखिए। और कमलनाथ ने इशारा भी किया कि मंत्रालय पहुंचिए, वहां पर बात करूंगा। और उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो मुस्कुराहट बता रही थी कि हम सफल हो गए, हम अपनी रणनीति सफल हो गए, रणनीति बनाने में सफल हो गए। और जिसका जिक्र चल रहा था कि क्या कमलनाथ एक बार फिर से मध्य प्रदेश के चाणक्य साबित होंगे, तो कमलनाथ मध्य प्रदेश के चाणक्य साबित होते दिखाई दे रहे हैं। दो नामों का जिक्र मैं कर रहा था, बबलू शुक्ला और संजू कुशवाहा, दोनों भी बहुत जल्द आपको दिखाई देंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ, क्योंकि वो भी दिल्ली में थे और दिल्ली से वो निकल चुके हैं, एक विमान के जरिए वो निकल चुके हैं, वो भी वहां पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे। और मुझे लग रहा है जो संकेत दिखाई दे रहे हैं कि दिग्विजय सिंह भी बहुत जल्द आपको भोपाल में दिखाई देंगे, बहुत कॉन्फिडेंस दिग्विजय सिंह ने दो दिन पहले ही कर दिया था। लेकिन अगर ये असफल हुआ है, अगर बीजेपी इसमें असफल हुई, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। एक मौका कांग्रेस को दिया कोसने का, एक मौका कांग्रेस को दिया आरोप लगाने का, और सबसे बड़ा सवाल है कि इन विधायकों पर आखिर भरोसा कैसे कर लिया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शोभा ओझा ने कहा काफी विधायक वापस आ गए हैं, यानी कि कांग्रेस ये मानती थी कि विधायक चले गए हैं। लेकिन हम जिसका जिक्र कर रहे हैं कि पल पल का घटनाक्रम बदल रहा है, अब घटनाक्रम बदल चुका है, और अब घटनाक्रम ये कहता है कि संख्या करीब करीब कांग्रेस की 112 के आसपास, अगर चार विधायक जो हैं हरदीप, रघुराज, शेरा और बिसाहू, अगर ये चार नहीं होते हैं तो कांग्रेस की संख्या कम नजर आती है, लेकिन अगर ये चार और आ जाते हैं तो कांग्रेस की संख्या फिर से 114 पर पहुंच जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जितने विधायक जाने की बात चल रही थी वो सारे विधायक वापस आ गए हैं, वो सारे विधायक अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। आपको उनमें से कुछ चेहरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई देंगे, ये भी आपको समझना चाहिए। तो अल्पमत में जो सरकार थी, अल्पमत का डर खत्म हो गया है, अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बहुमत की सरकार यहां पर आपको दिखा रही है, क्योंकि बीजेपी के पास 160 विधायक यहां पर मौजूद हैं। तो अगर बीजेपी के पास 107 विधायक हैं और कांग्रेस के पास अभी की जो संख्या है, अभी की जो गणना है, और अभी जितने भी विधायकों से संपर्क हो गया है, जितने भी विधायकों से बातचीत हो चुकी है, वो 112 पर पहुंच चुकी है। अब 112 विधायक कांग्रेस के पास हैं, तो 107 यानी कि बीजेपी बहुत नीचे है। लेकिन क्या ये घटनाक्रम बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको इस घटनाक्रम की जानकारी नहीं थी। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, उनसे मीडिया ने पूछा, उनको इस घटनाक्रम की जानकारी नहीं थी, और उन्होंने मीडिया के कैमरे पर भी कहा कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बीजेपी ने ये नहीं किया। खुद बीडी शर्मा ने भी कहा कि मेरी कोई जानकारी में नहीं है कि इस तरह का घटनाक्रम हुआ है, और इस तरह का घटनाक्रम हुआ है तो ठीक नहीं है। खुद बीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस ऑपरेशन में थे वो धीरे धीरे अपने आप को बैक कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उनके हाथों से चीजें निकल रही हैं। लेकिन कांग्रेस को भी ऐसा समझना चाहिए, कांग्रेस की सरकार को भी ऐसा समझना चाहिए कि जो कांग्रेस कर रही है, जो कांग्रेस इस वक्त जो धीमी गति से चल रही थी, क्या कांग्रेस अब तेज गति से दिखाई देगी। और जितने भी ऐसे विधायक हैं जिन्होंने वहां जाने की कोशिश की, बैठक करने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की, क्या अब उनके बारे में कोई नई स्ट्रेटजी बनेगी, या बीजेपी के तमाम रणनीतिकार
जो कांग्रेस को बार बार कांग्रेस की सरकार को गिराने की बात कर रहे थे, क्या सरकार उनकी तरफ फोकस होगी? ये बड़ा संकेत। लेकिन एक संकेत इस पूरे घटनाक्रम में दिया, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने यह कहा, मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री कमलनाथ भी यही कहेंगे कि हमने माफियाओं के खिलाफ काम किया, हमने माफियाओं का मध्य प्रदेश से सफाया किया और 15 साल में बीजेपी की सरकार में जो माफिया थे उन माफियाओं के कारण ये घटनाक्रम रचा गया, कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश की गई और इसमें बीजेपी के नेताओं के साथ साथ खुद तमाम वो माफिया मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा संकेत मैं बताना चाहता हूं अपने साथियों को कि ताजा फुटेज दिखाने की कोशिश करें जो राजनीतिक घटनाक्रम, क्योंकि ये मनेसर के शॉट्स हैं जो कल रात के हैं। रामबाई भोपाल पहुंच चुकी हैं, रामबाई मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मौजूद रहेंगी, इसके साथ साथ संजू कुशवाहा बबलू शुक्ला भी मौजूद रहेंगे, इसके अलावा जो ऐदल सिंह कंसाना है, रणबीर, रामबाई, वो भी साफ संकेत हो चुके हैं। अब चार जो विधायक हैं कांग्रेस के उनकी बात चल रही है, उनकी इंतजार किया जा रहा है। उन चार में हरदीप, रघुराज कंसाना, सुरेंद्र सिंह शेरा जो कि निर्दलीय हैं और बिसाहू लाल जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, आदिवासी नेता है, 5 बार के विधायक हैं और वो नाराज इस बात को लेकर थे कि उनके, जी हाँ, उनको मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं किया गया जबकि नए नए लड़कों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। तो ये तमाम सारे संकेत हैं जो देखे जा रहे हैं, जो चल भी रहे हैं, लेकिन वो संकेत बताते हैं कि बहुत कुछ मध्य प्रदेश में घट रहा है। कांग्रेस की नेता शोभा ओझा ने भी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की थी, उन्होंने भी सरकार पर आरोप लगाए थे, वो मैं आपको बयान सुनवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि शोभा ओझा ने क्या कहा था। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपको पल पल के घटनाक्रम की जानकारी देंगे।